हाय हाय राजा, कैसे हो आप लोग सब? तो कैसे हो आप लोग सब? मैं हूँ रावण और मैं आ गया हूँ फिर से पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में दोस्तों। आ रहा है तो आज के पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं? ओ बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो इसका हेयर स्टाइल मैंने बदला है रे। दिख रहा है तुम लोग का? दिख रहा है। ओ वेट, क्या मेरे को ये पता नहीं था कि ये कर सकते अपन? व्हाट, मेरे को ये नहीं पता था भाई। आई डिड नो दैट कि अगर मैं इसको घपा घप घुमाऊंगा तो ये करेगा ये। ओके सो एनीवेज, इसका हेयर स्टाइल, इसके कपड़े सब कुछ बदले हैं मैंने। क्यों बदले? इसलिए बदले है क्योंकि इसका हेयर स्टाइल अभी देख सकते हो मेरे हेयर स्टाइल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। और या आई लाइक ब्लैक एंड रेड, इसके वजह से ब्लैक एंड रेड लिया है और कुछ नहीं। मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक एंड रेड बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को पता नहीं है। सो हाँ, मैंने क्या किया कि ऑफ स्ट्रीम ऑफ वीडियो मैंने क्या किया कि बहुत सारे रेड्स किए। रेड्स बार बार रिस्पॉन हो रहे थे वो डंजन्स में, तो मैंने बहुत सारे रेड्स किए हैं एंड बहुत सारा पेनेट्रेशन हुआ है, बहुत सारे पोकेमोन्स मिले हैं। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ मेरे पोकेमोन्स जो मेरे पास है एट दिस मोमेंट। तो अभी मैंने अपने पास रखा है स्कोरबनी, रोजेलिया, नॉयबर्ट, रुकिडी, गोठीठा और शिट, गाली के तरह सुनाई दे रहा है लेकिन नहीं है। तो ये दोनों लेवल 20 के हैं। स्कोर बनी ऑलमोस्ट मेरा लेवल 16 होने वाला है। इसका मतलब आज के एपिसोड में शायद हम लोग इसका एवोल्यूशन देख सकते हैं। रोजेलिया का कौन से, आई थिंक रोजेलिया ही लास्ट एवोल्यूशन है शायद, मेरे को पता नहीं रोजेलिया के बारे में। बस ये पता है कि ये स्ट्रॉन्ग ग्रास पोकेमॉन है, नॉयबैट है, जो ये सब मेरे को डंजन्स में मिले। ये रोजेलिया, नॉयबैट और गोठीठा और चूटले भी मेरे को लेवल 20 का मिला था। सो या रोकिडी भी लेवल 16 पे शायद होता है इवॉल्व, तो इसको भी मेरे को लेवल 16 करना पड़ेगा। तो अभी के लिए स्कोर बनी को इवॉल्व करेंगे आज के एपिसोड में, देखेंगे। तो चलिए चलते हैं जिम चैलेंज के तरफ दोस्तों, लेट अस फ्रिकिंग डू दिस दोस्तों। ये बंदा यहाँ पे क्यों है? There you are, I have been waiting. Let's have a battle, you and me. You will get in a bit of training. Alright. मेरे को लगा मैंने इसको ऑलरेडी हरा दिया, मैंने ऑफ स्ट्रीम में इसको ऑफलाइन मैंने इसको हरा दिया था, उसके बाद यहाँ पे आके सेव कर लिया था मैंने गेम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई गेस अपन इसको फिर से हराना पड़ेगा। Alright, let's freaking हराएंगे दिस दोस्तों। तो आई थिंक ये बैटल में स्किप कर दूंगा, डायरेक्ट इसके एंड में मिलते हैं दोस्तों। अरे भाई साहब, लगता है यही बैटल में मेरा स्कोर बनी सर लेवल 16 को हो जाएगा और मेरा पोकेमोन शायद इवॉल्व हो सकता है। सो लेट अस सी, यही बैटल में हो सकता है अपना इवॉल्व, लेट अस सी। तो ये अपना रुकिडी निकाल रहा है, तो स्कोर बनी शायद अभी इवॉल्व हो सकता है, उसके वजह से मैं फिर से ये बैटल के बीच में बात करने लग गया। ओके, एम्बर यूज करता हूं मैं, एम्बर इज अ बेस्ट वे टू गो। भैया जी, हाय हाय राजा जी, पेक यूज करता रे तू, पेक यूज करता रे मेरे ऊपर, मैं फिर से एम्बर यूज करता तू मर जाएगा। टॉयलेट, ओ बर्न्ड है, नाइस, मास्टर 69 हो गया इसका। यूज लीर मास्टर 69 भाई, ये कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं होगा। मैं फिर से अभी नुनू अटैक करूँगा तो ये मर जाएगा, सॉरी अबाउट दैट, एम्बर अटैक करूँगा तो मर जाएगा ये। टॉयलेट, लेट्स होप कि अपना जो पोकेमोन है अभी इवॉल्व हो जाए। अरे यार, इसने हील कर दिया यार, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं इसको हरा के ही छोड़ूंगा, ये बर्न्ड है अभी भी, एम्बर ही यूज़ करूंगा मैं। ऑलराइट, ऑल फ्रिकी डिकी डिकी डी और रुकी डी गया। इज आवर स्कोर बनी गोना इवॉल्व दोस्तों? इज इट गोना इवॉल्व? लेवल 16 को हो गया, इज इट गोना इवॉल्व?
भाई निकल निकल ये सब निकल भाई। ओ ये ये इवॉल्व हो रहा है। व्हाट स्कोरबनी इज इवॉल्विंग या हनी सिंह दोस्तों, स्कोरबनी इवॉल्व हो रहा है जस्ट बिफोर जिम बैटल के पहले। नाइस, स्कोरबनी इवॉल्व हो गया है रैबूट मतलब रैबिट के तरह रबूट। ओके वेल दैट्स ऑसम, जस्ट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय राइवल। यू नो व्हाट, आई विल इवन गिव यू वन ऑफ माय लीग कार्ड्स, दैट्स हाउ गुड आई थिंक यू डिड इन दैट बैटल। यू गॉट होप्स लीग कार्ड, ओ यू पुट द लीग कार्ड इन योर एल्बम। आवर जिम चैलेंज स्टार्ट्स राइट नाउ फ्रॉम हियर इन मोस्टोस्क। Hello, the first gym leader will have to challenge is in a town way off from here. Still, you did better. Believe I'm going to keep on winning my way to that championship match. Alright. Oh, I gotta meet your next champion from the sleepy town. Alright. So, main yahan pe pehle save kar leta hu game, isse pehle mera game crash ho jaye. Oh my god, I can't believe ki maine apna reboot ko evolve kar liya hai. To main ek kaam karta hu abhi ke liye. मैं अपने पोकेमोन को स्वैप करता हूँ। रुकीडी को पहले रखता हूँ, रुकीडी को भी रुकीडी को भी अपन इवॉल्व करके देखते हैं। लेट अस सी व्हाट इज गोना हैपन। और हाँ, मेरे को पोकेमोन कैंप के बारे में भी देखना है। सो इससे पहले मैं जाऊँ, यहाँ पे यही पोकेमोन सेंटर है राइट, तो मैं पोकेमोन सेंटर के अंदर जाता हूँ और अपने पोकेमोन्स को हील करता हूँ। अभी आता हूँ दोस्तों। सो ऑलराइट दोस्तों, वी आर बैक। अपने पोकेमोन्स को हील कर लिया। बाय द वे, मैंने वो रेयर पोकेमोन्स जो है वो चेकआउट किया है। वहाँ पे मेरे को स्नोरलैक्स मिला था और रुकीडी का थर्ड एवोल्यूशन मिला था। बहुत सारे अमेजिंग ऑनिक्स मिला था, बहुत सारे अमेजिंग पोकेमोन्स मिले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनके लेवल थे 30-25 से ज़्यादा थे। तो क्या होता है कि उन लोगों को पकड़ने के लिए अपन को जिम बैजेस चाहिए। सो यप, जिम बैजेस के लिए वेट कर रहा हूँ। स्नोरलैक्स जो मिला था मेरे को वो लेवल 30 का था। सो उसको पकड़ नहीं सकता हूँ। और जो स्क्रोनाइट, शायद स्क्रोनाइट ही है उसका नाम, तो वो मतलब रुकीडी का थर्ड एवोल्यूशन वो मिला था लेवल 50 का मिला था दोस्तों। तो उन लोगों को मैं अभी नहीं पकड़ सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली। और इससे बैटल करेंगे अभी। और अपना रुकीडी को भी अपन ईट मास्टर 69 कर सकते हैं, I mean, इवॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरा रुकीडी हार ना जाए। बस यू नो, ग्रास टाइप और फ्लाइंग टाइप इज द पेनेट्रेशन। ओ ये ओके, वल्पिक्स छोड़ा है इसने बाहर। वल्पिक्स मारे लड़की, वल्पिक्स मारे दोस्तों। भाई तो मेरे को एक और फायर टाइप कुछ नहीं मिला है दिस मोमेंट। ये क्या हुआ? अरे यार, मेरा अटैक ये हुआ है, लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए था ना। ये फिर से क्विक अटैक यूज़ कर रही है। ऑलराइट, रुकीडी यूज्ड पावर ट्रिप। ओ या पेनेट्रेशन दोस्तों। ओ बाय द वे, मेरे पास फ्यूरी अटैक भी है। फ्यूरी अटैक भी यूज़ कर सकते हो। बाय द वे, मेरे पास फॉल्स फाइव का TM भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी किसी पोकेमोन को मैं वो सिखा नहीं सकता हूँ। चलो फ्यूरी अटैक यूज़ करते हैं। ऑल फ्रिकिंग राइट एंड बॉल, ये वल्पिक्स गया भाड़ में दोस्तों। योर पोकेमोन गेन्ड XP। ऑल राइट, चलो आज रुकीडी को भी अपन इवॉल्व करके देखते हैं दोस्तों, होगा कि नहीं। 1000 पोकी डॉलर्स जो भी है उनका नाम वो मिले हैं। और वहाँ पे मेरे को एक पोकी बॉल दिख रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ, नहीं देगी दोस्तों, नहीं देगी। You found three heal balls. Oh, three heal balls. Heal master 69 दोस्तों। What up? हाँ क्या रे? बोल मेरे से लड़ाई करेगी? I've been studying foreign language. तेरे foreign languages किसी काम के नहीं आएंगे। You are chosen by school girl. हाँ ना। Okay, पंचम आया है। पंचम पांडे। अरे पांडे जी ईट मारे रीटी। अरे तो मैं पावर ट्रिप यूज करता हूँ। ओके, इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है।
क्रिटिकल हिट करके बोल रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हुआ है। बस मेरा रॉकी डी हार ना जाए भाई। इट्स वेरी इफेक्टिव, या इट्स वेरी इफेक्टिव आई थिंक। ओह वेट, व्हाट, रॉकी डी पीछे चले गया, ये क्या हुआ भाई? ट्यूटर वॉज ड्रैग्ड आउट। अच्छा उसका कुछ मेरे को पता नहीं इसको इसका ओके ओके दैट डिड लॉट ऑफ डैमेज, नाइस। ओके मेरा इस ये लेवल भी तो ज़्यादा है, लेवल 20 का है मेरा ये वाटर टाइप पोकेमॉन। तो ये शायद इसका एबिलिटी था जिसके वजह से मेरा पोकेमॉन चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, ये गया पंचम। मैंने पंचम बोला, इट्स पंचम राइट। चलो रुकीडी का कुछ हुआ। ओके रुकीडी डेवलप हुआ है 14 पे, नाइस। आई लॉस्ट माय पोकेमॉन हनी, हाय हनी सिंह, हाय हाय हनी सिंह। वेट, मेरे पोकेमॉन्स के गीट बदल गए क्या? ओके रुकीडी है पहले में, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि पोकेमॉन कैंप सेटअप करता हूँ यहाँ पे, और कुकिंग करते हैं, नो कुकिंग करते हैं। ओके सारे ही पोकेमॉन्स है यहाँ पे। टेक आउट टॉय, ओके मेन्यू में देखते हैं, मेन्यू कुकिंग। ओके कुकिंग करते रहे बगुआस। व्हाट वुड यू लाइक टू डू? स्टार्ट कुकिंग, यप डायरेक्ट कुकिंग में चलते हैं। ओ अपने पास फैंसी एप्पल है, नाइस। एक फैंसी एप्पल और ओके प्लीज सेलेक्ट अ बेरी। ओके ये क्या है? सिंपल बेरी दैट इजिएस्ट टू यूज इवन फॉर नोविस कुक्स। बेरी दैट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट सिंस इट हैज़ नो स्वीटनेस, इट एड्स अ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर इफ इट इज यूज फॉर दैट्स ईजी टू गेट, ऑफन यूज फॉर कुकिंग, इट्स वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रिफ्रेशिंग स्वीट। पेचा बेरी डाल सकता हूँ बिकॉज इट्स स्पाइसी एंड एवरी वन कैन ईट इट। बेरी दैट कैन बी ओके पुट इट फ्लैश हैज़ अ स्वीट फ्रेगनेंस विच स्टिमुलेट्स एवरी वन एपेटाइट। फ्लेवर दैट ग्रोस मोर प्रोनाउंस्ड नियर द स्टेम, स्लो कुकिंग ब्रिंग्स आउट द डेप्थ इन इट्स फ्लेवर। देर आर फुल ऑफ सौर फुल ऑफ सोरनेस स्पाइसी फ्लैश इफ यू कीप चूइंग इट इज बिटरनेस विल स्लोली स्प्रेड। ओके ओके If you cook them down, the juices you extract will bring out the flavor of any dish. Okay, मैं क्या करता हूँ, पेचा बेरीज डालता हूँ, ऑरेंज बेरीज डालता हूँ, चेरी बेरीज डालता हूँ, चेरी बेरीज ऑयल डाल देता हूँ। ये क्या, ये एक डाल देता हूँ। okay, रेडी। अब इसमें प्लस बटन कौन सा है? वुड यू लाइक टू स्टार्ट कुकिंग विथ योर करंट बेरी सेलेक्शन? यस। ओके चलो देखते हैं इन लोगों का मैं लेवल्स ये सब बढ़ा पाऊंगा कि कैसे रहेगा, देखते हैं। और ये गया एप्पल बगुआ। स्टार्ट, ओके स्टार्ट करना क्या है? ओके ए, अच्छा ये करना था। ओके ओके वी आर डूइंग इट, वी आर कुकिंग राइट नाउ। ओके हो गया। ओके डाला तो है, मैंने ठीक से किया है कि नहीं वो पता नहीं मेरे को। डन। ओके चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। नाइस, इतना बड़ा पॉट कहाँ से आ गया? स्पाइसी एप्पल करी, स्पाइसी एप्पल करी, देखने में तो मज़ेदार दिख रहा है यार। ओके मैं खा रहा हूँ तो पोकेमॉन भी खा रहा है क्या एक साथ ही? ओह ओके ओ सबको पसंद आया, नाइस। रेटिंग स्टार मिल्सरी क्लास, मिल्सरी क्लास हो गया है।
Your Pokemon's HP was restored and any status condition were healed. Your Pokemon gained EXP points. Rockity and the rest of your Pokemon got friendly toward you. Nice, Master 69. Take down the tent. चलो टेंट को निकाल देते हैं. अब निकलते हैं पकड़े. Your Pokemon enjoyed camping and gained some XP points. चलो XP के लिए तो मेरे को कैंपिंग करना पड़ेगा बीच बीच में, और फ्रेंडलीनेस जो है वो भी बढ़ाने के लिए. ओके, मैं चलता हूँ, अभी निकलता हूँ यहाँ से. पकोड़े, ये कौन पकोड़ा है यहाँ पे? ओ, दिस पकोड़ा वांट्स टू फाइट विथ मी. दिस पकोड़ा वांट्स टू फाइट विथ मी. दोस्तों, डिड यू नो दिस पकोड़ा स्कूल बॉय. हम जब स्कूल में हुआ करते थे मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ कि सॉरी, ऐसे बीच बीच में थोड़ा कटिंग करना पड़ रहा है, थोड़ा खांसी आ रहा है क्योंकि मैं जा यहाँ पे जोर दम से बात कर रहा हूँ. ऑलराइट ऑलराइट, दैट इट. फ्यूरी स्ट्राइक ज़्यादा कुछ डैमेज तो नहीं किया है, बट या नाइस. ओके, इसने अब्जॉर्ब यूज़ किया है, कहीं हील ना हो जाए. ओके, हील नहीं हुआ. पावर ट्रिप यूज़ करते हैं. रुकड़ी यूज़ पावर ट्रिप, पावर विद द पावर ऑफ द ग्रे स्कल. हील हो रहा है क्या? हाँ, हील हो रहा है. तो मैं पेक यूज करके देखता हूँ कौन सा ज्यादा इसको. मेरे को पता है ग्रास टाइप यूज के अगेंस्ट ये कर रहा हूँ. ओ, पेक बहुत ज्यादा डैमेज किया है. तो मैं अपने रुकिडी को भी क्या बोलते हैं, इवॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ. इसके वजह से मैं रुकिडी यूज कर रहा हूँ, वरना कुछ और पोकेमोन ने. ओ, मैंने देखा नहीं कि वो नेक्स्ट कौन सा पोकेमोन. ओके, गोसिलर, ये भी एक ग्रास टाइप पोकेमोन है. तो लेट अस सी, पेक यूज करके देखता हूँ कि क्या ये ज़्यादा डैमेज करेगा. किया है, डैमेज किया है इसने. लीफ एज यूज कर रहा है ये. ओके, ये लोग ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रहे मेरे को. ओके, तो ग्रास टाइप के अगेंस्ट फायर के अलावा फ्लाइंग टाइप भी अच्छा है. पता चल गया. चलो मैं अभी कुछ और यूज करता हूँ. फ्यूरी स्ट्राइक्स यूज करता हूँ. फ्यूरी अटैक, फ्यूरी पेनेट्रेट दोस्तों. रुकड़ी यूज फ्यूरी अटैक. ये वी डिफीटेड दिस पेनेट्रेट ऑन दोस्तों. ऑपोजिंग ग्रास फर्स्ट की चापा से कुछ का डी को आया. और रोजेलिया लेवल 16 की हो गए. कहीं रोजेलिया भी इवॉल्व ना हो जाए. मेरे को नहीं पता कि रोजेलिया इज द लास्ट फॉर्म या फिर ये पता. वो कौन है? शुड आई कैच दिस गाय? इतना भाग के आया मेरे पास. अरे यार, मैं गलती से चला गया. वाइल्ड टायरो टट्टी. ओके, वाइल्ड टट्टी है इसका नाम. ऑलराइट, लेट्स फ्रीकिंग कैच दिस बगुआ. लेवल 14 का है. ओके, ओ माय गॉड, एक ही यीट से ये यीट हो गया है दोस्तों. इसको डायरेक्ट पकड़ते हैं अभी. ऑलराइट, मेरे पास एक प्रीमियर बॉल है, 3 हीलिंग बॉल्स है, एक मास्टर नहीं, बीस्ट नहीं, कुछ तो बॉल है, और 27 नॉर्मल बॉल्स है. ऑलराइट, इसको अपन ने पकड़ लिया है दोस्तों. तो नेक्स्ट, अब मेरे को कमेंट्स में बताइए इसको मैं अपने टीम में रखूँ कि नहीं. ऑलराइट, रुकिडी हो गया लेवल 15 का. वी आर सो क्लोज दोस्तों. रुकिडी को भी अपन इवॉल्व कर सकते हैं. आई एम रियली एक्साइटेड रे. फाइटिंग टाइप है. ओ नाइस, और लेवल 14 का भी है. इसको नाम में नहीं रखूँगा, इसको मैं सेंड टू बॉक्स करता हूँ. अभी नहीं भाई, तुम लोग को बाद में अपन कमेंट सेक्शन में देख के तब अपन करते हैं. वड़ाप सोनिया, वड़ाप, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे ऐसे अंधेरी नगरों में, सुनसान रातों में, क्या कर रही हो? हे यार जिम चैलेंजर, यू लुक लाइक रियल एज आउट देयर ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी. थैंक यू सोनिया. ओ बट वेयर्स हॉप? Hop is hopping. He can't steal at all, can he? Guess he really wants to catch up to his brother. Oh, I know. Let me tell you about something a bit interesting. Okay, kya interesting? You see that building over there? It's a company owned by Chairman Rose. Okay, Chairman Rose
का बिल्डिंग है, जस्ट पास रूट 3 देयर इज अ माइंड वेयर दे डिग अप ओर दैट बिल्ड बिल्डिंग ओवर देयर प्रोसेसेस इट इन टू एनर्जी. ओके माइन है, इन अदर वर्ड्स द चेयरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द गैलार रीजन विद इट्स एनर्जी टू. ओ तो यहाँ से एनर्जी जो है गैलार रीजन को पूरा यहाँ से ऐसे प्लेसेस के वजह से एनर्जी मिलता रहता है. नाइस. हियर अ लिटल समथिंग फॉर हैविंग ए चिन बैग विथ मी. इट्स एन एस्केप रूप. एस्केप रूप क्या करता है? ओके एस्केप रूप मिला है. यू पुट द एस्केप रूप इन योर बैग्स इन द की आइटम. ए लॉन्ग एंड ड्यूरेबल रूप. यूज इट टू एस्केप इंस्टेंटली फ्रॉम लोकेशंस लाइक केव्स और डंजन्स. इट कैन बी यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ओ ओ इसने मेरे पोकेमोन्स को हील भी कर लिया. नाइस. ओके चलो चलते हैं आगे. विल पेनेट्रेट अ हेड. ओके यहाँ पे ये वाले है काले काले बंदरा पत्थरा है यहाँ पे. ओ यहाँ पे छोटू छुटकू वाली लड़की है यहाँ पे. अरे यार आई वॉन्टेड टू स्किप हर. ओके लेट्स फ्रिकिंग डू दिस बगवा. लेट्स फ्रिकिंग डू दिस बगवा. पर्लिन पुरलिन पुरलिन पर्लिन पुरलिन जो भी है इसका नाम इसको उसको ये बाहर निकाला है. वी विल पेनेट्रेट दिस पोकेमोन. ओ शिट ये सिर्फ इफेक्टिव था. मैंने देखा नहीं, मैंने पैक यूज कर लिया क्योंकि आउट ऑफ यू नो आदत पड़ी है थोड़ा थोड़ा उसके वजह से. देखते ये इफेक्टिवनेस ये सब दिखा रहा है अभी पोकेमोन. नॉट वेरी इफेक्टिव इफेक्टिव. ओके तो फ्यूरी अटैक करते हैं. देखते ये कितना डैमेज करेगा. पेक जितना डैमेज तो नहीं किया है. आई थिंक पेक इज द वे टू गो दोस्तों. अरे पेक है पेक है पेक है पेक. ऑलराइट लेट्स पैक दिस गाय. ओके अभी ये ज्यादा डैमेज नहीं किया. ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? नाइस. एंड पोरलॉइन इज डेड बॉ. रोकिडी प्लीज यार तू भी आज हो जा. आज मेरा ये है कि दोनों पोकेमोन्स को अपन इवॉल्व करेंगे. इसने मैंने देखा नहीं कौन सा पोकेमोन को ये ईट कर रहा था. ओके मेरे पोकेमोन का हेल्थ फुल है सो दैट इज़ गुड. ओके पैक यूज़ करता हूँ. रुकड़ी यूज पैक. नाइस. और इसको कुछ नहीं हुआ. घंटा फर्क पड़ा इसको और ये मेरे को ज़्यादा डैमेज कर रहा है. और पावर ट्रिप यूज़ करता हूँ. ये भी इफेक्टिव है इसके वजह से. चलो देखते कितना डैमेज करता है. घंटा फर्क नहीं पड़ा इसको. घंटा. ओके ये मेरे पोकेमोन का हरा के ही छोड़ेगा. बाय द वे वो ग्राउंड टाइप पोकेमोन है ना शायद. टेल व्हिप यूज किया है इसने. मेरे को पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा. इन्फो चाहिए मेरे को इसके बारे में. नॉर्मल. ओके नॉर्मल टाइप पोकेमोन. ओके उनका पोकेमोन चेंज करता हूँ. अपने रबूट को बाहर निकालता हूँ. स्वाप पोकेमोन. या स्वाप पोकेमोन उसको रुकिडी को एक्सपी तो मिलेगा राइट. सो लेट्स गो रबूट. लेवल 16 रबूट इज हियर. लेवल 69. ओके डबल क्लिक इज सुपर इफेक्टिव. लेट्स सुपर इफेक्टिव किक दिस गाय. ऑलराइट तो गया कोविड भाड़ में. ऑलराइट नाइस. अरे कचड़े वाला आया देखो गाड़ी निकाल. कचड़े वाला आया देखो गाड़ी निकाल. देखा गाना बदल दिया मैंने. एंड सॉरी अबाउट दैट कैमरा अगेन. 930C 900,000 ऐसे पैसे मिल रहा है अपन को. ये बाल को क्या हो रहा है रे. प्लीज डोंट माइंड माय बाल. मेरे गेम इन गेम कैरेक्टर के बाल देखो कितना घपा घप दिख रहे. ओ यहाँ पे गोल्डन बॉल है. TM37 बीट अप. ओके बीट अप है. ओके द यूजर गेट्स ऑल पार्टी पोकेमोन टू अटैक द टारगेट. द मोर पार्टी पोकेमोन द ग्रेटर द नंबर ऑफ अटैक्स.
भाई साहब मजेदार है, मैं उसको किसको इक्विप कर सकता हूँ वो देखना पड़ेगा मेरे को। ये स्विफ्ट देखो, ये सब है मेरे पास स्ट्रीम्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं इक्विप नहीं कर सकता हूँ। शैडो बॉल मैंने ऑलरेडी रोजेलियो का इक्विप किया है, यहाँ पे फॉल्स स्वाइप है जो मेरे मैं किसी को भी नहीं ये कर सकता। लीच है, स्पीड बॉम्ब, ओके स्पीड बॉम्ब और बीटअप, बीटअप किसी को मैं ये नहीं कर सकता। द यूजर स्लैम से बैरेज ऑफ हार्ड शील्डेड सीड्स डाउन फॉर द टारगेट अबो, इसको यूज़ करते हैं रोजेलिया के ऊपर। चलो देखते कौन सा मैं यीट कर सकता हूँ। मेगा ड्रेन, लीच सीड, स्पीड बॉम्ब का डैमेज क्या है? पावर 80, एक्यूरेसी 100। लीच सीड के ऊपर कर लेते हैं अपन। ऑल राइट ऑल फ्रिकिंग राइट एंड बा ए ऑल फ्रिकिंग राइट एंड बा ए। मेरे को लगा बीटअप में किसी के ऊपर यूज़ कर पाऊँगा, अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ कि गेम सेव करता हूँ। चलो रुकिडी को अपन बहुत क्लोज है इवॉल्व करने में, रुकिडी को इवॉल्व करके ही मैं ये एपिसोड छोड़ूंगा भाई, एपिसोड छोड़ेंगे रे। ये क्या है? ओ ये तो वो है यार, डस्टबिन, डस्टबिन मारे लड़की, डस्टबिन मारे। वेट, इसके साथ फाइट करने का है? फाइट करते हैं अपने रुकीडी को, यीट करते हैं। आई शो यू व्हाट आई कैरी इन माय बैग ऑफ द पेनेट्रेशन। यू चैलेंज्ड बाय पोस्टमैन टैड, ओके पोस्टमैन टैड सेंट आउट डेली ब्रेड, डेली बर्ड, ओके डेली बर्ड, डेली बर्ड, डेली बर्ड, डेली 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 बर्ड। द ऑपोजिंग टीम इज टू नर्वस टू पेनेट्रेट, ओके इसके बारे में कुछ इन्फो नहीं है अपने पास। प्रेजेंट, ओके इट यूज प्रेजेंट बॉय, ओके पेक डिड गुड अमाउंट ऑफ डैमेज बोल सकता हूँ मैं। फिर से प्रेजेंट यूज किया इसने, इसको मैं पेनेट्रेट कर डालूंगा यार। फ्यूरी अटैक ने भी अच्छा खासा डैमेज किया है। चलो मेरे को बैग में से अपने हील करना पड़ेगा पोकेमोन को। पोशन, ये रहा पोशन, यूज दिस आइटम, इसके ऊपर यूज़ करता हूँ। होपफुली ज़्यादातर मैं हील हो जाऊँ। ओके आधे से ज़्यादा हो गया, दैट इज़ इनफ। फिर से प्रेजेंट, यार ये प्रेजेंट ही यूज़ कर रहा वाडू है। चलो मैं यूज़ करता हूँ पावर ट्रिप, देखते हैं इसको कितना डैमेज। फिर से प्रेजेंट, यही भाई यही कितने बार अटैक करेगा? ओके इट व्हाट रुकिडी हैड इट्स एचपी रिस्टोर्ड, ओके ये क्या हुआ भाई, मेरा एचपी रिस्टोर हो गया। चलो मैं पेक की यूज़ करता हूँ, पेक मास्टर 69, अवॉइडेड द अटैक। एक ही अटैक इतने बार करेगा तो अवॉइड ही करूँगा ना भाई। चलो पेक की यूज़ करते हैं अपन, फिर से अवॉइड कर ले। या मेरे रुकिड़ी को ये प्रेजेंट अटैक जो है इसको समझ में आ गया, ये हमेशा अवॉइड करने लगा है अभी। नाइस रुकिड़ी, इवॉल्व होते होते तुम्हें दिमाग आ रहा है, दिमाग। ओ हेलिया हेलिया हेलिया, रुकिड़ी हो गया लेवल 16 का। ओके ओके व्हाट कौन सा प्लक, ओके प्लक फ्यूरी अटैक पावर ट्रिप। प्लक हो गया पावर 60 और एक्यूरेसी 100, ये कितना है? ओ इसको इसे इसे यूज ये कर लेता हूँ। 1 2 एंड टाडा, रुकड़ी हैज ओके टर्न्स आउट आई वाज कैरिंग योर विक्ट्री, यू गॉट 1300 फॉर विनिंग। प्लीज इज रुकिडी गोना इवॉल्व? ओके अनफॉर्चुनेटली मेरे को लगा था कि रुकिडी इवॉल्व होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था। ओ मेरे को पता चला रुकिडी शायद इवॉल्व होता है लेवल 17 में। नहीं ये सब क्या है, लेवल 17 में शायद ये इवॉल्व होता है। ओके आई सी यू बॉय, डॉल दैट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ पोकेमॉन, इट गारंटीज एस्केप फ्रॉम एनी बैटल विद अ वाइल्ड बॉय। ओके ओके तो लेवल 17 में होगा, तो आई गेस नेक्स्ट एपिसोड में शायद और भी बैटल्स करेंगे और वहाँ पे इसको हरा पाएंगे। सो आज के एपिसोड में तो यहीं पे एंड करता हूँ। दिस वाज ए फन एडवेंचर, अपना स्कोर बनी इवॉल्व हो गया है,
रुकिडी और एक लेवल होने से शायद इवॉल्व हो जाएगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि जो मैंने नया फाइटिंग टाइप पोकेमॉन पकड़ा है, क्या मैं उसको अपने किस पोकेमॉन से मैं स्वैप करूँ मेरे टीम में से। सो या दैट इज इट गाइस, आई विल मीट यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी पिक्सल मॉन जी पेनेट्रेशन जी। ऑलराइट, पीस गाइस, रावण लॉगिंग आउट, आई विल मीट यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। फिर से मैं रिपीट करने लगा, दैट इज इट। एंड या रिमेंबर, इफ यू आर नॉट स्माइलिंग यू आर डूइंग इट रॉन्ग। कीप स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर फैमिली सेफ। पीस गाइस, पीस।